गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि वाइन प्लांट है, वाइन नेचर का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है और काफ़ी सारा लोग जो होते हैं वो इसे लगाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर है वो आपके गार्डन में बहुत अच्छा लुक देता है। तो इस प्लांट का नाम जो है फ्रेंड्स, वो कृष्ण कमल है। उसके अलावा इंग्लिश में इसे पैशन फ्लावर कहते हैं, कुछ लोग इसे राखी का फूल भी कहते हैं, या फिर इसे साइंटिफिक टर्म के अंदर पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है वो रेलिंग्स पर लगाया जाता है और काफ़ी सारे फैंस पर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट है उसके फ्लावर काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो लोग अपनी बालकनी में इसे लगाने से काफ़ी अच्छा लुक भी देता है फ्रेंड्स ये। और साथ में इस प्लांट को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। ये प्लांट सपोर्ट के साथ ग्रो करता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेंड्रिल्स होते हैं जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको इस प्लांट के और फ्लावर के कुछ बनावट के बारे में बताऊंगी कि इसे कृष्ण कमल क्यों कहते हैं फ्रेंड्स। आप जो सेंटर में स्टिग्मा देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कृष्ण भगवान का प्रतीक माना जाता है। और जो इसके 5 एंथर्स हैं फ्रेंड्स, वो पांडव के प्रतीक माने जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसके जो रेडियल स्पाइक्स है वो कौरव का प्रतीक माना जाता है, जो आप पर्पल कलर की रेडियल स्पाइक्स देख रहे हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस जो प्लांट है उसका खुद का जो स्पेन होता है वो बहुत छोटा होता है। जिस तरह हैबिस्कस का फ्लावर एक ही दिन में खिलकर रात तक मुरझा जाता है, उसी तरह ये प्लांट भी एक ही दिन में खिलकर रात तक मुरझा जाता है इस फ्लावर। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आप इसकी सॉइल देख रहे हो, इसकी सॉइल के अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, काउडंग कंपोस्ट डाला है, और ये एक वेल ड्रेन गार्डन सॉइल है। उसके अलावा अगर हम इस प्लांट के पॉट की बात करें तो आप इसे किसी भी तरह के साइज़ के पॉट में ग्रो कर सकते हो, लेकिन जितना अच्छा प्लांट ग्रो करेगा अगर आप बड़ा पॉट लोगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अपने पॉट के आसपास लक्ष्मण रेखा भी खींची हुई थी। तो उसका रीज़न ये था कि इस फ्लावर के ऊपर कई सारे मकोड़ियाँ और चींटियाँ बहुत आती है, क्योंकि इस फ्लावर की जो लीव्स होती है, जो बर्ड्स होती है फ्रेंड्स, उस बर्ड्स के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा स्टिकी सा जूस रहता है। हर वक्त जब भी ये प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज में आता है, अपनी कलियां बनाना शुरू करता है, तो इस तरह का एक स्टिकी सा जो फ्लूइड होता है वो इसकी कलियों से सिक्रीट होने लगता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इस पर चींटियां काफ़ी अट्रैक्ट होती है और काफ़ी सारे मकोड़ियाँ भी इस पर अट्रैक्ट होती है और सारा दिन इस प्लांट को घेरे हुए रहती है। तो इस वजह से मैंने जो चौक होती है लक्ष्मण रेखा वाली, वो अपने पॉट के आसपास पूरी अच्छे से लगा दी है ताकि कोई भी चींटियाँ इस पर अटैक ना कर पाए। फ्रेंड्स, होपफुली आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह का जूस जो है वो इसमें से सिक्रीट हो रहा है। बिल्कुल ओश की बूंदों की तरह है फ्रेंड्स, ये ड्रॉप्स के फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्लियरली। तो मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखे फ्रेंड्स। उसके अलावा ये जो फ्लावर है फ्रेंड्स, इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस फ्लावर का प्रोपोगेशन 2 तरीके से किया जाता है। जब ये फ्लावर गिर जाता है, मुरझा जाता है, तब इसके अंदर एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है जिसमें काफ़ी सारे सीड होते हैं। जो फ्रूट होता है वो खुद भी ईटेबल होता है और जो उसके सीड्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं। लेकिन जब ये प्लांट सीड से ग्रो करता है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और फ्लावरिंग होने में भी मैंने सुना है काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से लोग इसको प्रोपोगेट करने के लिए कटिंग मेथड काफ़ी इजीली फॉलो करते हैं, क्योंकि कटिंग से ये प्लांट काफ़ी इजीली लग जाता है। लेकिन जब से मैंने इसे नर्सरी से परचेस किया है, ये प्लांट काफ़ी छोटा था और अभी ये काफ़ी बड़ा हुआ है, फ्लावरिंग स्टेज पर आया है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसकी अभी तक कटिंग ग्रो नहीं की है। तो जब मैं इसकी कटिंग ग्रो करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आप वाइट पाउडर मेरे प्लांट पर देख रहे हो वो सारा लक्ष्मण रेखा का पाउडर है, ताकि इसके ऊपर चींटियाँ ना आए। और मैंने देखा है कि लक्ष्मण रेखा बाकी दूसरे केमिकल से काफ़ी हार्मलेस है मेरे प्लांट के लिए, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई और केमिकल जो आपको अच्छा लगता है उसका भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आप सॉइल देख रहे हो उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, सॉइल काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी एसिडिक नेचर होना चाहिए ताकि ये जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सके फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे इसकी जो रूट्स है वो काफ़ी जल्दी गल सड़ जाती है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटर ना करें अपने प्लांट को। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसे धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है, आप इसे सनलाइट में रख सकते हो, लेकिन जो दोपहर की तेज़ धूप होती है आप उसे बचाइए, वरना आपका जो प्लांट है ये जल सकता है। इसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं होती है, इसे मॉडरेट सनलाइट जहाँ पर आपके आती है 2-3 घंटे की या फिर 3-4 घंटे की, तो आप उसे आराम से रख सकते हो, लेकिन बहुत तेज़ धूप में ये प्लांट ख़राब हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम नर्सरी प्राइस की बात करें तो ये प्लांट 150 से 300 रुपये में आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर आप छोटा प्लांट खरीदते हो तो वो 80 रुपये तक आ जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो। बाय बाय।